2019 बिहार दे विच चुनाव दे दौरान नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों किसी दूसरे वर्ग के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई सी, जिदे संबंध विच नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज होया सी, वख-वख धारावां जिहड़ियां लगाईआं गईआं सी। तो उस मामला दर्ज होण तों बाद दिसंबर दे विच वी बिहार पुलिस इत्थे पहुंची सी नवजोत सिंह सिद्धू दे कोल उहनां दी जमानत लैण वास्ते। जेकर कोई होर हुंदा तां शायद उहनूं खुद बिहार दे विच उस थाने दे विच जाणा पैंदा अपनी जमानत लैण वास्ते, पर किते ना किते VIP ट्रीटमेंट देंदिआं होइआं इन्हां नूं खुद इत्थे बिहार पुलिस इत्थे खुद पहुंची है। बिहार पुलिस दे जिहड़े जवान ने उह खुद पहुंचे ने, ते पहलां दिसंबर दे विच पहुंचे सन, ते हुण फिर 7 दिन पहलां भी इह जिहड़े बिहार दे जिहड़े पुलिस कर्मी ने उह इत्थे पहुंचे होए ने, ते किते ना किते उदों तों ही इंतजार है कि नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल असीं मिल सकीए, पर नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल मिलन दी उहनां नूं इजाजत तक नहीं दित्ती जा रही। असीं इह कह सकदे हां कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं इत्थे जिहड़ी है VIP ट्रीटमेंट दित्ती जा रही है। असीं इह जरूर कहांगे क्योंकि जेकर कोई आम इंसान हुंदा ते उहनूं शायद थाने दे विच खुद जाणा पैंदा अपनी जमानत लैण वास्ते। सो हुण इक हफ्ते पिछों जिहड़ी बिहार पुलिस ने उहनां वल्लों सिद्धू दे घर दे बाहर नोटिस चिपका दित्ते गए, ते टाइम भी दे दित्ता गया कि जेकर तुसीं इन्नी टाइम तक इस जमानत के कागजा उत्ते सैन नहीं करते तो दिक्कत का सामना जिहड़ा वह करना पै सकता। तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं अमृतसर दे विच नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी के बाहर दी तस्वीर, जिथे नोटिस लगा होया, तो नोटिस दे विच साफ तरीके दे नाल यह लिख दिता गया कि जेकर जिन्ना टाइम दिता गया उस टाइम दे विच तुसीं साइन नहीं करते तो बिहार पुलिस नूं कुछ होर एक्शन भी लेना पै सकता है। तस्वीर दिखा रहे हैं अमृतसर दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दी कोठी दे बाहर दियां, ते मामला तुहानूं फिर दस दिंदे आ कि 2019 दे विच बिहार दे विच जदों चुनाव सी ते उदों नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों किसी दूसरे वर्ग दे खिलाफ विवादित टिप्पणी कीती गई सी, ते उहदे तहत नवजोत सिंह सिद्धू दे खिलाफ वख-वख धारावां लगा के मामला दर्ज किया गया सी। ते हुण वड्डा चेहरा देखदिआं होइआं नवजोत सिंह दा खुद जिहड़े पुलिस अधिकारी ने बिहार पुलिस जिहड़ी आ उह खुद इत्थे पहुंची आ नवजोत सिंह सिद्धू की जमानत लैण वास्ते, पर नवजोत सिंह सिद्धू को लगता है कि टाइम ही नहीं कि वह बिहार पुलिस नूं मिल सकन, ते मिल के सिर्फ तो सिर्फ अपनी जमानत के कागजा उत्ते कर सकन। इन्ना भी टाइम शायद पुलिस को नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं है क्योंकि 7 दिन हो चुके ने बिहार पुलिस नूं इत्थे पहुंचिया, ते 7 दिनों तो ही किते ना किते 4-4 घंटे बिहार पुलिस नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी के बाहर सड़क पर बैठ के गुजारते पे कि कदों नवजोत सिंह सिद्धू घर तो बाहर निकलन, कदों नवजोत सिंह सिद्धू मिलन की परमिशन देन, ते असी नवजोत सिंह सिद्धू की जमानत ले सकीए। सो बड़ा वड्डा सवाल है कि जे कोई आम इंसान हुंदा तो शायद उन्हूं थाने दे विच खुद जाना पैंदा, पर नवजोत सिंह सिद्धू एक वड्डा चेहरा है जिस कारण बिहार पुलिस नूं खुद आना पिया, पर खुद आने तो बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू जमानत लैण नूं ही तैयार नहीं। लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को इन्ना टाइम भी नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद बाहर आके या फिर उन्हां नूं कर्मचारियों नूं अंदर बुला के सिर्फ अपनी जमानत दे कागजां दे उत्ते साइन भी कर सकन। देख सकते हो कि दूसरी जगह सारे दरवाजियां दे बाहर यह नोटिस चिपकाया जा रहा है। यह पुलिस मुलाजमान वालों बिहार तो आई पुलिस है जिन्हां वालों 7 दिन हो चुके ने खज्जल खुआरी जिन्हां नूं हो रही है, ते हुण इन्हां वालों नवजोत सिंह सिद्धू दे दरवाजियां दे उत्ते नोटिस चिपका दिते गए ने। पर बड़ी हैरानगी दी गल है कि नवजोत सिंह सिद्धू को इन्ना टाइम नहीं कि इन्हां नूं अपने दरवाजे तो बाहर निकल के मिल सकन। सो पुलिस अधिकारी साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने नाल गलबात करके देखते हैं। सर आज कितने दिन हो चुके आपको यहाँ पे पहुंचे? हाँ लगभग हो गया 5-8 रोज हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 रोज हो गया। तो क्या अभी तक क्या कोई आपको मिला है या आ
आज तक कोई नहीं मिला जिसके धोकर नोटिस नोटिस साट दी आपने। कहाँ जाना पड़ता लेकिन आपको मिलना चाह रहे? कहाँ मिलना चाह रहे हैं, तो साइन कर देना था बस हो गया ना। अगर एक बात और सर, मामला हम शुरुआत से जानना चाहेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था, किस आधार पर मामला था? ये बारशोई थाना अंतर्गत एक ढट्ठा गांव है जहाँ चुनावी सभा हो रही थी। ये कटिहार जिला अंतर्गत है, बारशोई थाना अंतर्गत बिहार राज्य में है। तो इन्होंने चुनावी भाषण के क्रम में आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बना, जहाँ सारे प्रशासनिक बॉडी लगे हुए थे, मजिस्ट्रेट भी वहाँ डिपुट थे। मजिस्ट्रेट को लगा कि जो है ये आचार संहिता के खिलाफ है, उन्होंने केस दर्ज किया। जब केस दर्ज किया तो आचार संहिता के मामला बना, आचार संहिता के मामले को जमानत लेना था। ये बेलेबुल सेक्शन है, वहाँ जो कांड दर्ज हुई 93/19 दिनांक है उसका 16/4/19, धारा है 188 IPC RPA उल्लंघन। इस धारे के अंतर्गत बेलेबुल सेक्शन के का निर्देश हुआ 41(1) करके जमानत पर मुक्त कर। सब इंस्पेक्टर हैं जनार्दन राम हैं और मैं भी सब इंस्पेक्टर जावेद अहमद हूँ। एक टीम जो बिहार से हम लोग आए, दोनों सब इंस्पेक्टर हम लोग हुए। और इनको जब 18 को मैं पहुँचा तो इनके यहाँ आए, 19 तारीख को इन फिर ऑफिस कार्यकाल में इनके आए, इनके PA साहब को हमने नोटिस दिया, घोषणा पत्र जो बॉन्ड पेपर होता मुक्त होता है वो दिया कि आप जो है साहब से दस्तखत करा के हमें दे दो, मैं चला जाऊंगा। ये सैंपल बात थी, उसमें कुछ नहीं था, जमानत बिल है, इनको जाना भी था। मैं इनके दरवाजे पर आया हूँ और इनकी ये प्रतिनिधि है, माननीय है, इनके सम्मान के लिए जो हम लोग पहुंच गए। लेकिन इनके नोटिस तो ले लिए लेकिन रिसीव करके नहीं दिए, तो रिसीव हमने मांगा तो कहे कि माननीय आएंगे नहीं, सिद्धू साहब वो रिसीव आपको करके दे देंगे और जा देंगे, ठीक है हो गए यहाँ वो। उसके बाद मैं लगातार आ रहा 18 से, एक सप्ताह हो चला। और अब तो ये रवैया है कि इन्होंने खड़े मुंह बात भी नहीं करते हैं, इनके ऐसा लगता है कि माननीय जो है वो तो है ही हैं, इनके जो सलाहकार जो PA हैं, क्या नाम है उनका, सोढ़े जी, वो माननीय से भी माननीय हैं। अब हमको ऐसा महसूस हो रहा है वो बात तक नहीं करते हैं और ये भी नहीं कहते हैं कि आप अगला आप को दिया जाएगा नोटिस रिसीव करके कि नहीं दिया जाएगा। तो आज जो प्रक्रिया हम लोग किए हैं, हम जनार्दन बाबू जो हैं IU जो यहाँ इसके हैं, नोटिस उनके दरवाजे पर चिपका दिया है, ये प्रक्रिया के तहत है। आपके जो ऑफिसर हैं वहाँ पे बैठे, क्या उनके साथ आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा कि आ जाओ वापस यहाँ जब तक वो जमानत नहीं लेते? तो हमारे आला अधिकारी जो भी हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं, पल पल की जो जो घटना क्रम होती है मैं उनको बताते रहता हूँ। वो भी वहाँ से काफी प्रयास कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग यहाँ अभी हैं और जैसा अगला आदेश होगा फिर आगे की कार्रवाई करूँगा। देखना होएगा कि अगे दी कारवाई जड़ी है वो की हुंदी है, पर फिलहाल असी यह कह सकते कि जिस तरीके दे नाल इन्हां जड़े पुलिस कर्मी जड़े बिहार तो इत्थे पहुंचे ने उन्हां वल्लों जो कहा गया कि
लगातार एक हफ्ता हो चुके हैं, असी इंतजार दे विच हैं कि कदों नवजोत सिंह सिद्धू बाहर निकलणगे ते अपनी जमानत नू लैणगे। बड़ी बड़ी हैरानगी दी गल है कि जे कोई आम बंदा हुंदा ते शायद उन्हू बिहार दे विच जाके खुद की जमानत करानी पैंदी, पर नवजोत सिंह सिद्धू दे करके इत्थे जिहड़ी बिहार पुलिस खुद आई है जमानत देण वास्ते। पर नवजोत सिंह सिद्धू की जिस तरह कि इन्हां वल्लों कहा जा रहा कर्मियां वल्लों कि नवजोत सिंह सिद्धू की गल छड्डो, जिहड़े उन्हां दे पीए ने वह भी जिहड़े किते ना किते खुल के गल नहीं करते ते वह भी सीधे तरीके जवाब नहीं देंदे, उन्हां वल्लों भी किते इन्हां नूं पानी तक नहीं पुछा जांदा जिस तरीके नाल इन्हां वल्लों कहा जा रहा। एक हफ्ता हो चुकिआ ते चार चार पांच पांच के इस गेट दे बाहर बैठ के इंतजार करते हैं, हार के एक के नोटिस लगा सिंह सिद्धू तक मैसेज उन्होंने पीए ना पहुँचाती तक मैसेज ना पहुँचाती हो तो असी यह नोटिस लगा दें, नोटिस लगा दिता है। देखना होएगा कि हूँ नवजोत सिंह सिद्धू इन्हों के नाल राबता कायम करते हैं या नहीं करते हैं। कैमरामैन दीपक बजाज के साथ सुखचैन सिंह अमृतसर।